उदाहरण 22, बहुपद 4 वर्गमूल 3 x की घात 2 धन 5x ऋण 2 वर्गमूल 3 का गुणनखंडन कीजिए। बहुपद 4 वर्गमूल 3 x की घात 2 धन 5x ऋण 2 वर्गमूल 3 का हमें गुणनखंडन ज्ञात करना है। इसकी तुलना सबसे पहले हम a x की घात 2 धन bx धन c से करने पर हमें a का मान प्राप्त होता है 4 वर्गमूल 3, b बराबर 5 और c बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3। अब हम a और c का गुणा ज्ञात करते हैं कि 4 a का मान है 4 वर्गमूल 3 गुणा c का मान है हमारे पास ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर, यहाँ पे 4 को ऋण 2 से गुणा करेंगे तो ऋण 8 और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, तो गुणा 3 बराबर ऋण 8 दिया 24। अब हम ऋण 24 का संभावित गुणनखंडन निम्न रूप से लिख सकते हैं, ऋण 1 गुणित 24, ऋण 2 गुणित 12, ऋण 3 गुणित 8 और ऋण 6 गुणित 4। उसी तरह से हम ऐसा लिख सकते हैं 1 गुणा ऋण 24, 2 गुणा ऋण 12, 3 गुणा ऋण 8 और या 6 गुणा ऋण 4। अब ये जो है ऋण 24 के संभावित गुणनखंड है। इन गुणनखंडों में से एक ऐसा समूह होगा इसमें जिसका योग जो है मध्य पद जो है हमारे पास 5 के बराबर है। तो ध्यान से देखने पर कहीं हम ऋण 3 गुणा 8 में कहीं इनका योग करते हैं, ऋण 3 और 8 का योग करेंगे धन 8 तो हमें प्राप्त हो रहा है 5 और ये 5 जो है हमारा मध्य पद b बराबर 5 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा दिया गया बहुपद है 5, जो दिए गए बहुपद का जो मध्य पद 5x है उसको तोड़ के हम ऋण 3 धन 8 के रूप में लिखेंगे। तो पुनः हम दिया गया बहुपद 4 वर्गमूल 3 x की घात 2 धन 5x ऋण 2 वर्गमूल 3 को हम लेते हैं और लेने के बाद बराबर पहला जो पद है उसको हम वैसे ही लिखेंगे धन, इस 5 को हम लिखेंगे ऋण 3 धन 8, ऋण 3 धन 8 और बाहर कोष्टक के बाहर में x ऋण 2 वर्गमूल 3। इसके बाद हम मध्य पद में जो हमारे पास कोष्टक में जो दी गई संख्या है उसको कोष्टक को खोलने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 4 वर्गमूल 3 x की घात 2 ऋण 3x धन 8x ऋण 2 वर्गमूल 3। अब हम अगले पद में इसके समूह बनाएंगे, दो दो के समूह जिसे हम कोष्टक में लिखेंगे, 4 वर्गमूल 3 x की घात 2 ऋण 3x ये पहले कोष्टक में आ जाएगा समूह और दूसरा जो समूह आएगा 8x ऋण 2 वर्गमूल 3 इसको हम दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे। अब पहले कोष्टक में उभयनिष्ठ संख्या हम निकाल सकते हैं, निकालने के लिए सबसे पहले हम फिर से क्या करेंगे, इस 3 को हम दूसरे रूप में लिखेंगे, 4 वर्गमूल 3 x की घात 2 ऋण 3 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 और x का x धन कोष्टक में 8x ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर। अब हम यहां से उभयनिष्ठ जो है वर्गमूल 3 x को निकाल सकते हैं, ये वर्गमूल 3
और x और ये वर्गमूल 3x, तो यहाँ बचेगा 4x पहले कोष्टक में और ऋण वर्गमूल 3, ये बचा धन। यहाँ से हम निकालेंगे 2, तो हमारे पास कोष्टक के अंदर में 2 पहाड़े में 8 कब आएगा 4, तो 4x और ऋण 2 निकल चुका है तो वर्गमूल 3। अब यहाँ दोनों पदों में जो है उभयनिष्ठ 4x वर्गमूल 3 है और दूसरे कोष्टक में हम लिखेंगे वर्गमूल 3x धन 2। तो इस तरह से 4x ऋण वर्गमूल 3 और दूसरे कोष्टक में वर्गमूल 3x धन 2 हमारे अभीष्ट गुणनखंड है। इस तरह से हमने दिए गए बहुपद का गुणनखंड कर प्राप्त किया 4x ऋण वर्गमूल 3 और दूसरे कोष्टक में वर्गमूल 3x धन 2 जो कि हमारा अभीष्ट गुणनखंड है, यह इस प्रश्न का हल होगा। सोचें एवं चर्चा करें, क्या यह संभव है कि किसी द्विघाती बहुपद के 2 से अधिक गुणनखंड हो? इस अध्याय के उदाहरणों का अवलोकन करें एवं साथियों के साथ मिलकर द्विघाती बहुपद बनाकर उसके गुणनखंड कर जांचिए कि क्या इनके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं।